तो गाइस आप लोग कैसे, आई होप आप लोग शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो भाई आज का वीडियो ट्रैक्टर के ऊपर होने वाला है, क्योंकि आजकल आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया मेरे ट्रैक्टर वाले वीडियो पे, तो सोचा क्यों ना आपके लिए फिर से मैं ट्रैक्टर के ऊपर ही एक वीडियो लाओ। और हाँ रिस्क है, और हाँ आपको वीडियो में मालूम चलेगा कि ट्रैक्टर के ऊपर फाइनेंस होगा या नहीं होगा, कितना किलोमीटर चला हुआ है, कितने घंटा में कितना फ्यूल लेता है, वो भी आपको वीडियो मालूम चलेगा। कौन सा आपको ट्रैक्टर बेस्ट है लेने में वो भी आपको मालूम चलेगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आप मिलाते यहाँ के शोरूम के ऑनर से, वही आपको सारा डिटेल देंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मनोज बारे में बता दीजिएगा। मेरा नाम मनोज शुक्ला है जी। और हम लोग सेकेंड हैंड जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उन्हीं का बिजनेस करते हैं। हमारा जो यहाँ, चलिए आप अपना ट्रैक्टर दिखाना शुरू कीजिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये गाड़ी जी, ये स्वराज गाड़ी है, 834 XM। हाँ, ये इसका मॉडल जो है 2012 है, और इसका प्राइस अभी हम लोग अच्छे कंडीशन में है, आप कलर भी देख सकते हैं। इसका दाम जो रखे हम लोग लगभग 1,70,000 रुपया रखे हैं, 1,70,000 इसका रखे हैं। हाँ, तो क्या इसका HP है आप बता दीजिएगा। HP 35 HP की गाड़ी है, 35 HP की गाड़ी है। तो हाँ, ये जनरली किस लोगों के यूज में ये गाड़ियाँ, ये जो छोटे किसान हैं बालू ढोने, अगर कॉमर्शियल रूप से यूज करना है तो 100 CFT बालू, 100 CFT गिट्टी आसानी से, और लगभग 1,500 ईंट ढो सकती है इसके। हाँ हाँ, एग्रीकल्चर के भी यूज, एग्रीकल्चर में ये लगभग सब काम एग्रीकल्चरल कर सकती है गाड़ी। हाँ, एक मध्यम किसान के लिए ये लगभग 1,70,000 की गाड़ी है। 1,70,000। हाँ हाँ, चलिए आप ये दिखाइएगा स्वराज, स्वराज 843 XM गाड़ी है, और अपने आप में बहुत ही बेजोड़ गाड़ी है। इस गाड़ी का अभी तक इंजन भी नहीं खुला है, इंजन भी नहीं खुला हुआ। हाँ, और ये अवेलेबल है हमारे पास लगभग 3,00,000 में, 3,00,000 में अवेलेबल। हाँ, ये 3,00,000 में अवेलेबल है जी। आप नेगोशिएबल करते हैं या फिर नहीं, कोई भी आता है? हाँ, वो करते हैं। और ये 2017 मॉडल की गाड़ी है। 2017 मॉडल। अच्छा, इसका पीछे का दोनों टायर अभी एकदम ब्रांड न्यू है, उसमें है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई नहीं ना, साल भर नहीं, 2 साल ग्राहक चलाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी किसी तरह का डेंट पेंट नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। टायर आप मान लीजिए जो भी होता है, जिस गाड़ी में टायर खराब होगी तो आप अपने तरफ से चेंज करके देंगे या फिर कस्टमर कराना? जैसे कोई भी चीज हम चेंज करेंगे तो उसका कुछ वैल्यू जोड़ करके हम लेंगे जी। और जो प्राइस हम बता रहे हैं, गाड़ी लगभग जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में बता रहे हैं। तो ये दिखाइएगा महिंद्रा 775 DI। हाँ, 75 DI है जी। और ये 2018 मॉडल की गाड़ी है, इसका प्राइस 4,10,000 रुपया, 4,10,000 है। कितना HP की गाड़ी है ये? 42-43 HP की गाड़ी है, 42-43 HP की गाड़ी है। हाँ, टायर का कंडीशन के बाद, टायर का कंडीशन इसका ना तो बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, मतलब चल सकता है। हाँ, अभी एक से डेढ़ साल चलेगा, क्योंकि क्योंकि न्यू। हाँ हाँ, ग्राहक को बदलने की जरूरत नहीं है। इसका बताइए ये कौन सा है? महिंद्रा का 275 DI है, TU। हाँ, TU गाड़ी है। प्राइसिंग रख रहे हैं आप? ये 2018 मॉडल की गाड़ी है, 2018 मॉडल। हाँ हाँ हाँ, और अगर कोई ग्राहक चाहता है तो ये 3,50,000 में अवेलेबल है। हाँ, 3,50,000 में। हाँ हाँ हाँ, 2018 मॉडल की गाड़ी 3,50,000 में। कितना HP की है ये? ये लगभग 40 HP की गाड़ी है। ये मतलब ये कौन से चीज में काम आती है, मतलब क्या कमर्शियल यूज में आती है या फिर कमर्शियल और एग्रीकल्चरल दोनों यूज में काम आ जाए? हाँ हाँ, जैसे यूज करना चाहे। हाँ, और सबसे मेरे पास जो एक गाड़ी है, ये गाड़ी लगभग 100 घंटा चला गाड़ी है, 100 घंटा चला। हाँ बस बस, और इस गाड़ी का जो दाम है वो आपको नई गाड़ी लगभग 7,00,000 के आसपास में मिलेगी। इसके बाद भी बहुत कुछ खर्च करना पड़ेगा। इसका टायर देखिए, इसका टायर लगभग 95% है, आगे का टायर भी, पीछे का टायर भी। हाँ, जो आपको दिख रहा है, और मॉडल 2022 है, और ये अवेलेबल है लगभग 5,55,000 रुपए में, 7,00,000। हाँ, लगभग आप इस गाड़ी पे 1,50,000 का लाभ पा रहे हैं। तो इसमें कितनी HP है? ये लगभग 40 HP की गाड़ी है, 40 HP की। हाँ हाँ हाँ, महिंद्रा का दिखाइएगा। ये महिंद्रा 475 DI गाड़ी है, 2016 मॉडल का, 2016 मॉडल का। हाँ हाँ, और इसका पीछे का दोनों टायर बहुत खराब था, जिसको हम लोगों ने बदल दिया। हाँ, तो क्या इसका प्राइसिंग क्या रखे हैं? इसका प्राइस है लगभग 3,80,000 रुपये, 3,80,000 है। कितनी घंटे चली हुई है?
एक घंटे नहीं 2016 तो साल पूछिए कितनी चली है। कितना साल चला है ये बता दीजिए। 4-7 साल पुरानी गाड़ी है। 7 साल और, हाँ, और दाम आधा है। आधा है दाम। जो प्राइस अभी मार्केट में नई गाड़ी का अगर हम लेंगे जी तो उसके आधे का, उसके अनुसार आधा में आ रहा है। हाँ, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि आप ट्रॉली भी करते हैं या फिर नहीं? बस जो कंडीशन, जिस कंडीशन में इंजन है हम उसी कंडीशन पे आ करते हैं। ट्रॉली नहीं दे पाते हैं? नहीं। अगर आप सोचे हाँ ट्रॉली लेना चाहेगा तो क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं दे देंगे? हाँ हाँ अवेलेबल है ट्रॉली। ट्रॉली अवेलेबल रखते हैं तो उसका क्या प्राइसिंग आप रखते हैं? देखिए अगर सेकेंड हैंड ट्रॉली लेगा तो लगभग 40-50 हज़ार रुपये का ट्रॉली मिल जाएगा। हाँ, और अगर फर्स्ट हैंड ट्रॉली लेगा तो हमारे पास 90 हज़ार से लेकर के 1,30,000 तक का ट्रॉली। ये दिखाइएगा, ये भी वही है। ये महिंद्रा 475 DI है, 2020 मॉडल है। इसका टायर भी एकदम अच्छे कंडीशन में है। घंटा बता दीजिए कितना चला? एक घंटा लगभग 300 चला हुआ है और इसका टायर लगभग 70% है। 70% अभी टायर के बाद। हाँ, टायर तो काफी अच्छा है यहाँ से रखे हुए हैं आप। टायर दोनों अच्छा है, बैटरी भी अच्छा है और ये गाड़ी लगभग 5,20,000 में। 5,20,000 में जो है। तो ये गाड़ी आप देख रहे हैं महिंद्रा 275 DI है और ये 3,20,000 अवेलेबल है। और 1700 घंटा गाड़ी है। 18 मॉडल की गाड़ी है। 18 मॉडल की गाड़ी है। कितना घंटा चला हुआ है ये? 18 मॉडल की गाड़ी है और लगभग 2,000 घंटे से कम चली हुई गाड़ी है, लेकिन 1800 से ऊपर चली हुई गाड़ी है। 1800 से ऊपर चली 2,000 के बीच में। तो आप ऑन टेबल आने पर नेगोशिएट कर देते हैं या फिर नहीं? अब क्या फिर फिक्स प्राइस रखे हुए हैं? प्राइस तो लगभग फिक्स है जी, लेकिन कभी कभी ग्राहक, चाहे हमारे यहाँ के ग्राहक के बारे में आपको पता है जी, तो कोई कोई रिजिट हो जाते हैं तो 10-5,000 रुपया डिस्काउंट कर भी देते हैं। ऐसे हम लोग लगभग प्राइस फिक्स रखते हैं। देखिए एकदम न्यू कमिंग गाड़ी है जी, ठीक है। और ये गाड़ी अभी कुछ इसमें कमी था टायर जैसे। हाँ जी, टायर उसका डल लग रहा है काफ़ी लग रहा है, तो इसको हम लोग बदलेंगे जी। आप इसको मतलब कस्टमर को आप बदल कर ही दीजिएगा? हाँ बदल देंगे टायर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है? उसको टायर का पैसे अलग से चार्ज करेंगे या फिर? नहीं, टायर जब हम गाड़ी का प्राइसिंग करेंगे तो सब कॉस्टिंग निकाल करके उसका प्राइसिंग उस हिसाब से। अभी इसका हम प्राइस तय नहीं किए, आज ही हमारे यहाँ गाड़ी आई है और इसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इंजन बहुत शानदार है। इंजन में क्या है? ये 275 है लेकिन इसका इंजन अभी तक खुला नहीं है। खुला नहीं है? हाँ, 2020 मॉडल की गाड़ी है जी। 1300 घंटा और लगभग 1300 घंटा ही गाड़ी चली है। इंजन नहीं खुला हुआ है? नहीं। इंश्योरेंस रखते हैं? कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिसका नाम तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो हम फाइनेंस करते हैं। फाइनेंस कर देते हैं। हाँ, और फाइनेंस में समझना ज़रूरी है कि फाइनेंस हम नहीं करते हैं, फाइनेंस फाइनेंसर करता है। और फाइनेंसर जब फाइनेंस करता है तो साथ में वो जिस ग्राहक, जिस एरिया के रहने वाले हैं उसी एरिया के फाइनेंसर से हमारी गाड़ियां फाइनेंस होती हैं। उनका सिविल ठीक होना चाहिए और अपने यहाँ के जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनसे मिल करके फाइनेंस का व्यवस्था वो तो कर सकते हैं। पिछले वीडियो में ऐसा हुआ कि बाहर बाहर से लोग कॉल किए फाइनेंस को लेकर, तो आप उनको क्यों नहीं फाइनेंस करा पाए? देखिए हमारे ग्राहक जो हैं उन्हें समझ में नहीं आ सकी, उन्हें लगा कि जो फाइनेंस की सुविधा है वो सीवा मोटर्स करती है। हाँ, लेकिन सीवा मोटर्स फाइनेंस नहीं करती है, हमारी गाड़ियाँ फाइनेंस हो जाती हैं। फाइनेंसर वो कंपनियाँ हैं जो फाइनेंस की सुविधा RBI के तहत अवेलेबल है, उसके तहत कराती हैं। इसके तहत में तो इसका मतलब कि आप ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, जैसे श्री राम फाइनेंस हुआ, महिंद्रा फाइनेंस हुआ, HDB हुआ, HDFC हुआ, SBI हुआ, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ फाइनेंस करने का जो रूल रेगुलेशन है RBI के, उसके तहत सभी गाड़ियाँ फाइनेंस हो जाती हैं।